नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की दस्तक अब बहुत नज़दीक से सुनाई पड़ने लगी है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग स्थानों पर दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं, यात्राएं चल रही हैं। कांग्रेस के लोग देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के अभी अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली दोनों लगे हुए हैं। यानी कि बीजेपी हो या कांग्रेस और या फिर तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां, इंडियन नेशनल लोकदल हो, जननायक जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला लगे हुए हैं, जेजेपी से दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला घूम रहे हैं, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम करके प्रचार कर रही हैं, हरियाणा की बहू बता रही हैं खुद को, और उसके साथ में देखें तमाम राजनीतिक लोग चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। क्योंकि अगले 3 नवंबर तक हरियाणा के अंदर नई सरकार का, नई विधानसभा का गठन हो जाना है। तो आप मान करके चलें कि अगले 2 से 2.5 महीने में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और अगले 3 महीने के अंदर अंदर यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा की नई सरकार बन जाएगी। सरकार किसकी बनेगी, जनता किसको चुनेगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो मतदाताओं पर तय करता है कि मतदाता किसको अपना भाग्य विधाता बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही चर्चाएं चल रही हैं तमाम जिलों की, विधानसभा क्षेत्रों की पार्टियों को लेकर के कि कौन सी पार्टी कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितनी मजबूत है, कौन से जिले में किस पार्टी को क्या मिलेगा, क्या कौन सी पार्टी खोएगी, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक लोग चर्चाओं में हैं। और मैं भी आपके साथ आज चर्चा में हूँ इसी को लेकर, और मेरी चर्चा का आज का विषय है कैथल जिला। जिला कैथल जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटें जीत ली, कैथल और कलायत। 1 विधानसभा सीट से यहाँ पर जननायक जनता पार्टी ने जीती, और वो जो जननायक जनता पार्टी ने सीट जीती वो थी गोला, और 1 सीट पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट बन गए, वो इंडिपेंडेंट थे पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन। यानी कि कैथल से लीलाराम गुर्जर और कलायत से कमलेश ढांडा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। और दूसरी तरफ चलें तो पुंडरी से विधायक बने रणधीर गोलन, और ईश्वर सिंह बने जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, वहां से ईश्वर सिंह बने जननायक जनता पार्टी के विधायक। कांग्रेस के 2 बड़े कद्दावर नेता चुनाव हारे कैथल जिले में। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कैथल विधानसभा से चुनाव हार गए। हालांकि मार्जिन तो 1200-1300 वोट का रहा, लेकिन चुनाव में हार तो हार है, जो जीता वही सिकंदर है, चाहे वो 1 वोट से जीता हो। और अगर दूसरी बात करें तो फिर जेपी चुनाव हार गए कलायत में कमलेश ढांडा से लगभग 9000 वोट से। जयप्रकाश आजकल हिसार के सांसद हैं, जेपी हिसार से सांसद बन गए हैं। उन्होंने कलायत हारने के बाद में आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव भी हारा, और फिर उसके बाद में उनके नसीब में जीत आ गई जब वो हिसार के सांसद बन गए, अभी आज से लगभग 1.5 महीना पहले 4 जून को जो चुनाव परिणाम घोषित हुए। और दूसरी तरफ जो मंत्री बन गई थी कमलेश ढांडा जो मनोहर सरकार में वजीर थी, मनोहर सरकार से जब नायब सरकार बनी, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो फिर कमलेश ढांडा जी की सीट चली गई, वो मंत्री नहीं रही। आपसे मैं चर्चा में हूं कैथल जिले को लेकर के, कैथल जिले की चारों सीटें, क्योंकि जब से चुनाव परिणाम आया है, खासकर लोकसभा के चुनाव परिणाम जब से आए हैं, और हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटें जीत ली, ये बात जरूर है कि कुरुक्षेत्र सीट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुरुक्षेत्र लोकसभा जिसमें कि कैथल जिला आता है, वहां से तो कांग्रेस हार गई। इतना ही नहीं, कलायत से भी कांग्रेस हार गई, और कैथल जहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला है वहां से भी कांग्रेस हार गई, यानी कि बुरा हाल हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद कैथल जिले के अंदर अब कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रह सकता है 2024 में, कांग्रेस के नेता कौन से हो सकते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकटों में तवज्जो मिलेगी और या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुठी हावी रहेगा,
रणदीप सिंह सुरजेवाला क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं आजकल राजस्थान से, क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला विधानसभा चुनाव में आएंगे और या फिर उनके स्थान पर उनका कोई प्रतिनिधि होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। जयप्रकाश खुद सांसद बन गए हैं, जेपी के भाई भी एक बार चुनाव लड़े थे, अब जयप्रकाश के बेटे तैयारी कर रहे हैं, क्या जयप्रकाश के बेटे जेपी के बेटे को कांग्रेस टिकट दे सकती है? इन सब मुद्दों पर लेकर के मैं आपसे चर्चा में और आपको बताऊंगा कि कैथल जिले की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर कितने कैंडिडेट हैं, कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, कौन से गुट से हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले आपसे बात मैं कैथल की ही कर लूं, कैथल विधानसभा की। रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां पर 2014 में विधायक थे और 2009 में भी विधायक थे रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से। उससे पहले 2005 में यहां से विधायक बने थे शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के पिता। रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना से विधायक बना करते थे, चुनाव लड़ते थे जींद जिले की नरवाना विधानसभा सीट से और राजनीति के अंदर दूरदर्शी माना जाता था शमशेर सिंह सुरजेवाला को। 2005 का विधानसभा चुनाव था जिसके अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना से चुनाव लड़े और शमशेर सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ने पहुंचे कैथल में, और उसके पीछे माना जाता था कि शमशेर सिंह सुरजेवाला को कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परिसीमन के अंदर नरवाना रिजर्व हो सकती है और इसीलिए वो चुनाव लड़ने कैथल आए थे। और कैथल चुनाव लड़ के 2005 में शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपने बेटे रणदीप के लिए सीट रिजर्व कर दी। रणदीप सिंह सुरजेवाला 2009 में भी जीत गए और 2014 में भी जीत गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने थे लीलाराम गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, और लीलाराम गुर्जर ने कड़े मुकाबले के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव में हरा दिया। लगभग 1200 वोट से रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव हार गए और ये कांग्रेस के लिए बड़ा शॉकिंग था कि 2019 जब कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 से बहुत बेहतर हुआ लेकिन उस स्थिति के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके पीछे माना जाता है कि कैथल की जनता के दिलो दिमाग में एक बात और भी आ गई थी। एक तो कारण ये था यहाँ पर कि जो कैलाश भगत चुनाव लड़ा करते थे पहले इंडियन नेशनल लोकदल से, कैलाश भगत भारतीय जनता पार्टी में चले गए जिसके चलते पंजाबी मतदाता काफ़ी हद तक छिटक करके जो वोट दे देता था सुरजेवाला जी को भी, उन्होंने सारा वोट बीजेपी को दे दिया। अग्रवाल मतदाता भी बीजेपी के पास चला गया और एक कारण माना जाता था रोड मतदाता, यहाँ पर 3-4 हज़ार रोड मतदाता भी हैं, उन्होंने क्योंकि किसी रोड नेता को टिकट कांग्रेस का नहीं मिला था पुंडरी से, तो वहाँ के राजनीतिक लोग बताते हैं मुझे ऐसा कि इस वजह से भी ये भी एक बड़ा कारण था। खैर, रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव हार गए और उसके पीछे जो एक कारण मैं आपको और गिनवाना चाह रहा था वो ये था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधायक रहते हुए, क्योंकि 2014 में वो विधायक चुने गए थे, 2017 और 18 के बीच में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जींद में और जींद के उपचुनाव में कांग्रेस ने बना दिया था कैंडिडेट रणदीप सिंह सुरजेवाला को। रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक रहते, कैथल से विधायक रहते, जींद में उपचुनाव विधानसभा का लड़ने गए और ये बात कैथल के लोगों के गले नहीं उतरी। कैथल के लोगों को लगा कि ये नरवाना से कैथल आए थे तो कैथल से अब जींद चले जाएंगे आगे चल के क्या, और ये बड़ा कारण रहा रणदीप सिंह सुरजेवाला की हारने का, एक ये भी कारण रहा। आजकल रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हैं। अब अगले विधानसभा चुनाव जो आना है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर अपनी सीटें घटाने का कांग्रेस जोखिम अब नहीं लेगी, राज्यसभा में अपनी सीटें घटाने का कांग्रेस अब जोखिम लेना नहीं चाहेगी, इसलिए क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद रोहतक की सीट वैसे ही खाली हो चुकी है और उस सीट से अब भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है। ऐसे में राजस्थान से एक सीट कम ना हो जाए, क्योंकि राजस्थान में भी सरकार बदल चुकी है, पहले कांग्रेस की थी अब भाजपा की हो चुकी है, संभवतः रणदीप सिंह सुरजेवाला को विधानसभा चुनाव में ना उतारा जाए। राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा, और मैंने भी आपसे एक वीडियो शेयर किया था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के स्थान पर उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को, जो राजनीति में सक्रिय भी हैं, उनको कांग्रेस अपना कैथल से कैंडिडेट बना सकती है। पहली सीट कैथल के लिए कांग्रेस का मैंने आपको नाम बताया कि आदित्य सुरजेवाला को कैथल से कैंडिडेट बनाया जा सकता है।
क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा कद है, इसलिए कैथल में कोई और ज़्यादा लोग दावेदारी भी नहीं कर रहे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हों और चाहे वैसे हों, इसलिए कैथल में कोई बड़ी दावेदारी कांग्रेस से और दिखती नहीं है। वैसे कहने के लिए कैथल से अनिल शोरेवाला, ये पूर्व मंत्री चरणदास शोरेवाला, सेठ चरणदास शोरेवाला के पुत्र हैं, और दूसरे सुधीर मेहता, ये दोनों हुड्डा समर्थक हैं और ये भी कैथल से टिकट की दावेदारी करते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बड़ा है, इसलिए संभवतः कैथल विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला जो तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, उनका नाम फाइनल हो सकता है। मगर अगली विधानसभा की बात करूं तो फिर अगली विधानसभा की बात आती है कलायत की। मैंने आपको बताया कलायत विधानसभा क्षेत्र से कमलेश ढांडा अब की बार चुनाव जीती 2019 में, और कमलेश ढांडा के सामने चुनाव हारे कांग्रेस पार्टी से जेपी जयप्रकाश लगभग 9000 वोट से। अगर कलायत की बात करें तो कलायत में कौन कौन कैंडिडेट सक्रिय हैं, तो उनके मैं आपको नाम बता दूं। अगर कलायत विधानसभा की बात करें तो जयप्रकाश अब सांसद बन चुके हैं हिसार से, और कलायत सीट पर जिन लोगों के नाम चर्चाओं में हैं, उनमें एक नाम है सतविंदर सिंह राणा। सतविंदर सिंह राणा विधायक रह चुके हैं पहले 1996 में, 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बने थे, और इन्होंने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था 2019 का। सतविंदर राणा हाल ही में रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस के अंदर। दूसरे कैंडिडेट का नाम लूँ तो फिर दूसरे कैंडिडेट का नाम है धर्मवीर कोनेखा। ये पूर्व वाइस चेयरमैन हैं जिला परिषद के, ये भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हैं। इन्होंने हाल ही में विधानसभा का बड़ा गांव है बालू, और बालू में इन्होंने बड़ी जनसभा कराई थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की, और उनके साथ पार्टी में शामिल हो गए थे। ये दोनों नेताओं को अगर सतविंदर राणा और धर्मवीर कोलेखा, ये दोनों सुरजेवाला समर्थक माने जाते हैं। सुरजेवाला समर्थकों में और देखें तो श्वेता ढुल का नाम आता है। श्वेता ढुल भी कलायत से पार्टी की टिकट चाहती हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं। अगला नाम देखें तो फिर सुनील कुंडू, ये भी रणदीप सिंह सुरजेवाला समर्थक हैं और ये भी कलायत में सक्रिय हैं आजकल। अनीता ढुल, ये कुमारी सैलजा की समर्थक हैं और ये भी कलायत में सक्रिय हैं, कलायत में टिकट चाहती हैं। अगर अगला नाम देखें तो अगला नाम आता है महावीर चहल का। महावीर चहल जिला किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने किसान आंदोलन था उसके अंदर बड़ी भूमिका थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला समर्थक माने जाते हैं ये भी। अब अगर एक और प्रमुख नाम, मुख्य नाम देखें तो दूसरा वो नाम आता है विकास सारन। विकास सारन जेपी के बेटे हैं, जेपी जो सांसद बन गए, जेपी के बेटे हैं और ये हुड्डा समर्थक हो गए। अगर इस लिहाज से माने, क्योंकि जयप्रकाश का पूरा असर है, हिसार से जयप्रकाश सांसद बन गए, तो क्या कलायत विधानसभा से उनकी बेटे की दावेदारी को कांग्रेस गंभीरता से लेगी, बड़ा सवाल ये भी रहेगा। इसके साथ साथ एक नाम और बता दूं दोस्तों आपको, सज्जन सिंह ढुल। सज्जन सिंह ढुल भी, इनका पहले पाई हल्का था 2005 तक, इन्होंने पुंडरी से चुनाव भी लड़ा था एक बार, और अब ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थन में, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ में ये भी कांग्रेस में है, और सज्जन सिंह ढुल की दावेदारी भी है। तो ये नाम मैंने आपके बताए कलायत विधानसभा के लिए कि जिनकी कलायत से दावेदारी, और ये दोनों सीटें कैथल और कलायत, ये दोनों विधानसभा सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और दोनों पर कांग्रेस के बड़े चेहरे हारे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से और कलायत से जेपी। अब आपसे बात कर लें कैथल जिले की तीसरी विधानसभा सीट। तीसरी विधानसभा सीट है पुंडरी। पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन विधायक हैं। रणधीर सिंह गोलन निर्दलीय विधायक बने थे 2019 के चुनाव में, उनको टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे, और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदते हुए उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट सतविंदर सिंह को हरा दिया था लगभग 13000 वोट से। रणधीर गोलन लगातार मनोहर लाल सरकार को समर्थन दे रहे थे, उसके बाद जब सरकार बदली, नायब सिंह सैनी सरकार के मुखिया बने तो नायब सिंह सैनी के साथ भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया लोकसभा चुनाव के दौरान। और लोकसभा चुनाव के दौरान रणधीर सिंह गोलन ने समर्थन दे दिया कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में चले गए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में जाकर के उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। अब अगर पुंडरी विधानसभा की बात करें तो पुंडरी में कौन कौन चेहरे हैं जिन पर की जो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, और जिनमें से किसी एक चेहरे पर कांग्रेस दाव खेल सकती है,
तो पुंडरी हल्के में एक तो रणधीर सिंह गोलनी हो गए कि जिन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लिया, लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस को समर्थन दिया। अगर अगला नाम ले तो यहाँ से फिर अगला नाम आता है सुल्तान सिंह जड़ोला। ये पूर्व CPS हैं, 2009 में चुनाव जीते थे और हुड्डा साहब की सरकार के अंदर ये मुख्य संसदीय सचिव रहे थे। इस अगले नाम पे चलें तो अगला नाम आता है शीशपाल करोड़ा। ये पिछड़े वर्ग के हैं और पूर्व सचिव हैं हरियाणा कांग्रेस के, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई दायित्व रहे हैं शीशपाल करोड़ा के पास में। शीशपाल करोड़ा ने अगर कहें तो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में पार्टी के टिकट के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। और अगर मैं देखूं तो एक बात यहां पर और बता देंगे कि जिस समाज से शीशपाल करोड़ा आते हैं और जिस गांव से आते हैं, 1982 में वहां से रामचंद्र ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव ऐसा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए पूरे गांव ने और पूरे उनके समाज ने उनका पूरा समर्थन किया था और जिसके चलते कांग्रेस वहां चुनाव हार गई थी। अगर अगले नाम पर चलें तो फिर यहां से जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे बलकार सिंह, उनका भी नाम आता है। इसके आगे चलें तो फिर प्रदीप चौधरी का नाम यहां पर आता है। प्रदीप चौधरी भी यहां पर टिकट मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सरपंच हैं नरेश शर्मा पिलानी। कहते हैं उनको, वो भी टिकट मांगते हैं। यहाँ से सुनीता बातान भी बतौर महिला चेहरा, वो भी टिकट के दावेदार हैं। सतपाल साकरा यहाँ पर सरपंच रहे हैं 2010 में, वो भी टिकट मांगते हैं साकरा गांव के। अगर मैं ये कहूँ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों के मैं अगर नाम लें, मैंने सुरजेवाला समर्थक बताया, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों में लें तो फिर रणधीर सिंह गोलन, क्योंकि उन्होंने हुड्डा साहब को समर्थन दिया। सुल्तान सिंह जड़ोला, क्योंकि वो साथ थे ही पहले, हुड्डा साहब के साथ CPS रहे। सतपाल साकरा मैंने बताया सरपंच हैं। प्रदीप चौधरी ये भी हुड्डा साहब समर्थक हैं। राजकुमार पिंडारसी ये भी हुड्डा साहब के समर्थक हैं। सुनीता बातान ये भी हुड्डा साहब की समर्थक हैं। यानी कि ये तमाम सब लोग पुंडरी से कांग्रेस के दावेदार हैं। किसको टिकट मिलता है? लेकिन अगर माना जाए तो क्योंकि रणधीर सिंह गोलन ने निर्दलीय चुनाव रहते हुए और उसके बाद में उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दिया, दावा तो उनका भी मजबूत होगा। अब देखना ये कि कैंडिडेट कौन हो, लेकिन पुंडरी विधानसभा में भी कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स की बड़ी फेर हिस्त है। अगर अब आपसे चौथे हलके की बात कर लें, कैथल जिले का चौथा विधानसभा क्षेत्र वो है गोला। गोला जहां से 2019 में विधायक बने ईश्वर सिंह, जननायक जनता पार्टी के टिकट पर, पहले राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं। इनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था तो इन्होंने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए इन्होंने दिलूराम बाजीगर को हराया, बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद में हालांकि इनकी जो अजय सिंह चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, उनसे लंबे समय बनी नहीं, बड़े दलित चेहरे हैं, बड़े दलित नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में खटास चलती रही। इनके बेटे को चेयरमैन भी बनाया गया और समय वो आया धीरे धीरे कि जब पार्टी से वो किनारा करते गए। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि ईश्वर सिंह भी अब की बार अपने बेटे या पुत्रवधु के लिए कांग्रेस के टिकट के जुगाड़ में हैं। अगर अगला नाम दे तो फिर विमल नंबरदार। विमल नंबरदार कांग्रेस से हैं, ओड समाज से हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये भी टिकट चाहते हैं। इस अगला नाम आए तो फिर दिलूराम बाजीगर, जो विधायक भी रहे हैं एक बार, ये हुड्डा साहब समर्थक हैं, ये अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, पवन जगत के लिए भी। अगर अगला नाम लें तो फिर रणधीर सिंह, ये कांग्रेस के नेता हैं, हरिजन सेल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और ये भी टिकट की चाह करते हैं। अगर अगला नाम लें तो फिर फूल सिंह खेड़ी, ये पूर्व विधायक हैं, हुड्डा समर्थक हैं। सतवीर वाल्मीकि कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते हैं, हुड्डा समर्थक हैं। कन्नूराम वाल्मीकि ये भी हुड्डा समर्थक हैं। चांदराम वाल्मीकि ये भी हुड्डा समर्थक हैं। मास्टर दिलवाग सिंह ये भी हुड्डा समर्थक हैं। रमेश वाल्मीकि, दिलराम पटवारी, देवेंद्र हंस, ये तमाम सब लोग कांग्रेस के अंदर रहते हुए हुड्डा साहब के समर्थक हैं और ये टिकट चाहते हैं। और मैं अगर कहूँ तो एक लंबी फेर हिस्त है इस विधानसभा क्षेत्र में गोला में, जिन्हें की कांग्रेस की टिकट की चाह है। उनके अंदर चरणदास पवार बाजीगर, सरदारा राम बाजीगर, हरदेव हरिजन, फूला राम बाजीगर, सोनू पंचाल, बूटा सिंह पूर्व विधायक, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला समर्थक हैं। जो सोनू पंचाल मैंने आपसे कहा, वो भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हैं।
इनके साथ देखें तो नरेश ढांड, ये पूर्व प्रत्याशी थे हरियाणा जनहित कांग्रेस के, ये भी सुरजेवाला के समर्थक हैं। यानी कि डेढ़ दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पुंडरी विधानसभा से टिकट चाहते हैं। ये है चार विधानसभा क्षेत्रों का समीकरण, यानी कि चार विधानसभा क्षेत्र जिसमें अगर देखें तो कैथल के अंदर जो मुख्य रूप से दावेदारी है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की, टिकट तो वहाँ शोरेवाला साहब और मेहता साहब भी चाहते हैं, सुधीर मेहता और अनिल शोरेवाला भी, लेकिन प्रमुख दावेदारी वहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे की आती है। पुंडरी विधानसभा सीट मैंने आपको बताया 10 से ज़्यादा नाम है वहाँ पर भी, लेकिन जब नाम आता है तो रणधीर सिंह गोलन यहाँ पर पूर्व विधायक थे, सुल्तान सिंह जडोला की बात बनती है या फिर शीशपाल करोड़ा, किसकी तरफ ध्यान जाता है। अगर बात आती है कलायत की तो कलायत के अंदर बहुत सारे नाम हैं भारतीय जनता पार्टी, कलायत के अंदर बहुत सारे नाम हैं कांग्रेस के पास। क्या हुड्डा समर्थक को नंबर लगेगा या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक को कलायत से टिकट मिल सकती है। अगर चौथा नाम लें गोला विधानसभा सीट, तो गोला विधानसभा के अंदर तो एक डेढ़ दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। क्या ईश्वर सिंह के परिवार से कोई आ सकता है और या फिर किसी और चेहरे पर निगाह जाएगी कांग्रेस की। दोस्तों बड़ी बात यह है कि कैथल जिले की चार विधानसभा सीटों के लिए लगभग 5 दर्जन से ज़्यादा नाम कांग्रेस के पास हैं, जिन पर कि कांग्रेस विचार करेगी और उनमें से कौन चेहरा होगा ये तय तो होगा जब विधानसभा चुनाव घोषित होंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कैथल जिले के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन कौन हो सकते हैं। हमने आपको जो नाम बताए आप उनसे कितने सहमत हैं। कैथल जिले के जो हमारे सुधी दर्शक हैं वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इनके अलावा कोई और चेहरा भी हो सकता है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।